हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पार्सल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय। जो भी पार्सल आप भेजते हैं उसको कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, उसका सिचुएशन आप जान सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट से आप वो पार्सल भेजे होंगे, इसी के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जो आप अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटर, पीसी एक्सेट्रा से आप ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। दोस्तों, आप किसी पार्सल या पोस्ट को ट्रैक करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर या पीसी होना चाहिए, और उसमें आप किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, फायरफॉक्स, यूसी मेनी, सब जो भी हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद वो ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, उसके बाद गूगल पे ये डालिएगा indiapost.gov.in या इंडिया पोस्ट आप डालिएगा, वो भी हो जाएगा। indiapost.gov.in आप डालिएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट आपके इंडिया पोस्ट के मेन पेज पर लगे चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ट्रैक कंसाइनमेंट, लोकेट पोस्ट ऑफिस, फाइंड पिन कोड, कैलकुलेट पोस्टेज, डाउनलोड ऐप, ट्रैक कंप्लेंट। दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर है ट्रैक कंसाइनमेंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा, यह 13 अंकों का होता है। दोस्तों, यह जो मैं यहाँ पर ट्रैक कर रहा हूँ वो पासपोर्ट के लिए है, और इंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर दाबने के लिए कर रहा है। दोस्तों, इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट नंबर आप डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं पासपोर्ट का जो ट्रैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, PP7112216739IN। और यहाँ पे दोस्तों एबुलेट द इम्प्रेशन, और इसके यहाँ भागा का चिन्ह दिया रहा है, तो इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5×15। यहाँ पे दोस्तों सर्च का दिया, यदि आपको कैप्चर गलत हो जाए तो यहाँ से रिफ्रेश जो है यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही सर्च कीजिए आपका जो है पार्सल कहाँ है, किस सिचुएशन में है, कहाँ से बुक हुआ था, कब बुक हुआ था, कब कहाँ था, ये सब आपको सिचुएशन यहाँ दिखाई दे देगा। यहाँ दोस्तों बुक एट MBC पटना, ये दोस्तों मेरा पासपोर्ट जो है पटना से डिस्पैच हुआ था, 9 तारीख को हुआ था, और यहाँ पे भेजने के लिए 84455 पर भेजा गया था। ट्रैफिक, आर्टिकल टाइप, ये सब यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पे डेट 11/10/2018 को, टाइमिंग 4:40:38, ऑफिस जो है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे दोस्तों जो है इसका जो करंट स्टेटस है, बैग डिस्पैचेज टू नरकटियागंज SO, दोस्तों कि मेरा पासपोर्ट जो है नरकटियागंज पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुका है। दोस्तों, यहाँ पे सब दिया हुआ है, कब कहाँ और कितने बजे कहाँ था आपका पार्सल, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है इवेंट आइटम बुक जो हुआ है पटना से हुआ है, चलते चलते जो है मुजफ्फरपुर आया है, कब कहाँ आया है, इसी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है फर्स्ट मेथड है, आप दूसरे मेथड से कैसे चेक करेंगे, दोस्तों आप इंटरनेशनल पार्सल कैसे ट्रैक करेंगे, उसका भी मैं एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए उसके ओर बढ़ते हैं। parcelmonitor.com पर आप जाइएगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, और बहुत सारे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको लोकेटेड होगा। यहाँ पे अपना सेगमेंट नंबर डालिएगा, डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस से पार्सल किए हुए हैं यहाँ पे सब दे दे रहा है, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस। इसी प्रकार आप इंटरनेशनल पार्सल ट्रैक कर सकते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, चीन, पाकिस्तान एक्सेट्रा, जो भी देश। दोस्तों, यदि आपको पोस्ट ऑफिस आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लोकेटेड पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप क्लिक कर आप जान सकते हैं आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट स्टेट, आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप जहाँ के हैं, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, आप जो जिस जगह के डिस्ट्रिक्ट पे आप रहते हैं उसको आप सिलेक्ट करने के बाद, दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद एक्चर और सर्च पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो लोकेट कर दिखाई दे देगा। और दोस्तों, जो थर्ड नंबर में है फाइंड पिन कोड, अब अपना पिन कोड भूल गए हैं यानी कि आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ से आप क्लिक कर आप अपना पिन कोड भी मालूम कर सकते हैं, आपका पिन कोड क्या है, बस वहीं स्टेट सिलेक्ट करना है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है,
और ये जो कैप्चर है इसको आप डालकर यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। जो थर्ड नंबर में है कैलकुलेट पोस्टेज आपको, यानी कि आप जो पार्सल भेजते हैं उसका कितना फी आपको लगेगा, वो नेशनल हो इंटरनेशनल या मिसकिलियंस हो या डोमेस्टिक जो भी हो, आप यहाँ पे पिन कोड डालिएगा जहाँ से आप भेजना चाहते हैं और जहाँ तक भेजेंगे वो, और यहाँ पे आइटम का जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा वो आपका क्या है, बुकलेट है, बुक कॉपी, और बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया है, फ्लैट रेट पार्सल, इंडियन लेटर, और जो बहुत सारे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पे वेट इसका मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद गिफ्ट अवेलेबल सर्विस यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको पूरा डिटेल दिखाई दे देगा, आपको स्पीड पोस्ट के लिए कितना पैसा लगेगा और नॉर्मल पोस्ट के लिए कितना पैसा लगेगा इसमें सब दिखाई दे देगा, आपको कितना पैसा आपको पे करना है। और दोस्तों जो डाउनलोड ऐप, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके इंडिया पोस्ट का आप देख सकते हैं, या ट्रैक कंप्लेंट आपको कंप्लेंट करना है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जो कंप्लेंट नंबर होगा यहाँ पर डालकर उसको सर्च कर सकते हैं आपका कंप्लेंट जो है कहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों तो इसी प्रकार आप जो है किसी भी पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज तक इस वीडियो में ही तक, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको दोस्तों कोई और प्रॉब्लम रही तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।